नमस्कार फ्रेंड, स्वागत है आपका चार कुकिंग में। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा दही बड़े की रेसिपी, वो भी प्रॉपर मार्केट वाले, एकदम मुलायम, एकदम सॉफ्ट, एकदम स्पंजी। कुछ बातों का अपने को ध्यान रखने का है ताकि आप भी जब भी घर पे दही बड़े बनाए तो एकदम मुलायम, सॉफ्ट, एकदम स्पंजी बने। तो वीडियो के साथ लास्ट तक जुड़े रहिए ताकि आपके भी समझ में आ जाए, कुछ बातों का ध्यान रखना अपने को। तो आप भी जब भी घर पर दही बड़े बनाएंगे तो एकदम सॉफ्ट बनेंगे। और उसके लिए एक मसाला भी तैयार करेंगे जो दही बड़े के लिए खास हमने बनाया, चटपटी और एकदम स्पाइसी मसाला। तो आप कोई भी चाट में उसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते दही बड़े। तो ये ले लिया मैंने उड़द की दाल। दाल को मैंने 5 घंटा भिगा दिया। आप चाहिए तो रात को भी इसको भिगा सकते हैं। दाल अच्छे से भिग जानी चाहिए। देखिए आप तोड़ेंगे तो उंगली से टूटनी चाहिए दाल, देखिए दबा के। तो अच्छे से हमारी दाल भिग चुकी है। इसको 3-4 पानी से अच्छे से पहले धो लेंगे, इसका पानी हटा देते हैं। तो दाल को हमने अच्छे से धो लिया 3-4 बार। अभी ले लेंगे मिक्सर जार और इसमें जो दाल हमने भिगा के रखी वो डाल देंगे और ढक्कन लगा के थोड़ा पानी डाल के इसको पीस लेंगे। ध्यान रखना ज़्यादा पानी नहीं डालना आपको। तो आप देख सकते हैं हमारी दाल भी अच्छे से पिस चुकी है और हमने दाल को बारीक पीस लिया है। तो आपको दरदरा बिल्कुल भी नहीं रखना, दाल को बारीक ही पीसना है। तो मैंने एक बोल ले लिया, इसके अंदर दाल को अभी निकाल लेंगे। थोड़ा सा डाल देंगे अभी नमक स्वाद के अनुसार, थोड़ा सा इसमें हींग डालेंगे, थोड़ा सा इसमें जीरा डालेंगे जो कच्चा जीरा रहता है। और दाल को अभी 4 से 5 मिनट आपको अच्छे से हाथ से फेंटना है। आप चाहिए तो कोई चम्मच से भी फेंट सकते हैं, लेकिन हाथ से फेंटेंगे तो दाल अपनी बहुत ही बढ़िया फिट जाएगी और एकदम दाल फुली फुली हो जाएगी। कभी भी आप दही बड़े बनाएंगे तो ये ट्रिक आपको ध्यान में रखने का है कि दाल को अच्छे से फेंटने का 4 से 5 मिनट। और दाल हमारी फिट के तैयार हुई है कि नहीं हुई है उसको भी दिखा देता हूँ मैं आपको कि कैसा इसको चेक करना चाहिए। तो हमारी दाल देख सकते हैं आप अच्छे से फूल चुकी है, बोले तो दाल अच्छे से फिट चुकी है हमारी। तो आपको ये ध्यान में रखना है। अभी एक कटोरी में थोड़ा पानी ले लेंगे और उसमें थोड़ा सा दाल जो हमने फेंटा है उसमें डाल के देख लेंगे, क्योंकि पानी में अगर डिप हो जाएगी अंदर तो समझने का फिटी नहीं है दाल। ऊपर रहेगा तो दाल हमारी अच्छे से आप देख सकते हैं, दाल हमारी जैसे हमने थोड़ा सा डाला तो एकदम ऊपर आ गई पानी में। तो ये बहुत ध्यान में रखना है आपको ताकि आपके दही बड़े भी बहुत ही बढ़िया स्पंजी बनेंगे। तो दाल हमारी फिट के तैयार हो चुकी है, तो अभी इसके बना लेते हैं सबसे पहले दही बड़े। तो मैंने गैस पे कढ़ाई रख दिया, इसमें डाल देंगे तेल गरम होने के लिए। तेल को एक बार गरम कर लेंगे अच्छे से, उसके बाद इसमें बड़े डालेंगे। तो पानी में हाथ डुबाना है आपको, ऐसा पानी रखने का पास में, और छोटा बड़ा जो भी साइज चाहिए आपको उस साइज से आप डाल लेना और तेल में इसे देखिए आराम आराम से छोड़ते रहना है। तो आप देख सकते हैं दही बड़े हमारे कैसे एकदम तेल में डालते ऊपर आते हैं, क्योंकि ये सब फेंटने की क्रम आता है। तो दाल को कभी भी बनाएंगे तो आप फेंटना बहुत ही ज़रूरी है। तो एक एक करके इसमें बड़े डालेंगे, जितने कढ़ाई में आप बैठेंगे उतने डालना है आपको, एक साथ में सब नहीं डालना है, बस ये इस प्रकार से डालते रहना है। 7 से 8 फीट आराम से बैठ जाते हैं, ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि दाल उड़ीद दाल का तो चिपक जाती है एक दूसरे को, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ध्यान रखना है आपको, और कोई भी चम्मच लेके आपको अल्टी पल्टी करके अच्छे से इसको सेक लेने का, सोनहरा कलर होने तक। और बीच बीच में चलाते रहना आपको, नहीं तो क्या होता है कि एक साइड से लाल हो जाए और एक साइड से पूरे सफ़ेद रहेंगे। तो हमारे बड़े देख सकते हैं आप कितने बढ़िया बने, एकदम फूले फूले। अरे ये बहुत ही सॉफ्ट बड़े हैं, बिल्कुल भी इसके अंदर गांठ वगैरह कुछ भी नहीं रहेंगी अगर आप ये मेरे तरीके से बनाएंगे तो। नहीं तो कई बार क्या होता है बाहर से बड़े बनाते अपन उसमें गांठ रह जाती है, ऊपर से भी कड़क हो जाते हैं अंदर एक गांठ रह जाती है, तो इसमें बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं होएगा। तो हमारे बड़े अच्छे से सीख चुके, देखिए। तो इनको एक अभी अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। तो मैंने प्लेट लिया तो इसमें मैं निकाल रहा हूँ। तो बाकी बड़े भी हमारे जो बचे यही तरीके से बड़े बना लेंगे। खाली पानी में हाथ आपको थोड़ा थोड़ा भिगा के डालना ताकि अच्छे से बन जाए, आराम आराम से डालते रहना, क्योंकि तेल भी गर्म रहता था, उंगलियों का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी रहता है। तो इनको भी अभी पलटी करके सेक लेंगे अच्छे से। आपके पास कोई छोटा जारा रहेगा तो उससे भी पलटी कर सकते हैं आप, या कोई चक्कू की मदद भी ले सकते हैं, चम्मच भी ले सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। और इनको भी अच्छे से अभी सेक लेंगे। कितना बढ़िया कलर आया बड़े का। तो हमारे बड़े फ्राई होके तैयार हो चुके, तभी इनको प्लेट में निकाल लेते। तो सारे बड़े हमारे फ्राई हो चुके। अभी मैंने लिया गैस पे, एक पैन रख दिया है,
तो इसका मसाला तैयार करेंगे। तो सबसे पहले इसमें डाल देंगे अजवाइन और जीरा, इनको एक मिनट के लिए स्लो गैस भी अपने को भूनना अच्छे से, जब तक इनमें से अच्छी खुशबू आने नहीं लगे तब तक अपने को भूनने का है। तो आप देख सकते हैं हमारा जीरा और अजवाइन अच्छे से भून चुका है। तो गैस को मैंने बंद कर दिया है, तो इसमें कुछ मसाले भी और डाल देंगे। तो ये मैंने लिया काला नमक, आप चाहे मैंने पाउडर लिया, आप खड़ा नमक भी ले सकते हैं, ये अपना नॉर्मल नमक है। ये लिया लाल मिर्ची पाउडर, ये आपने को गैस बंद करने के बाद में डालना, नहीं तो क्या होगा कि मिर्ची जल जाती है। तो इनको भी एक बार चला लेते हैं अच्छे से, क्योंकि हमारा पैन गर्म है अभी। वैसे ऐसे चला नहीं गए तो हमारा मसाला भी तैयार हो चुका है। अभी इसको किचन ओटे पे डाल निकाल लेंगे पूरा, और एक बेलन की मदद से इसको पीस लेंगे। मिक्सर में पीसेंगे तो क्या होएगा, इसका फ्लेवर पूरा चला जाएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप चाहिए तो मिक्सर में पीस सकते हैं, लेकिन मिक्सर में पीसेंगे तो ये टेस्ट नहीं आएगा इसका। तो मसाला हमारा पीस चुका है, तो अभी इसमें डाल देंगे एक चम्मच चाट मसाला, और फिर से इसको एक बार साथ में सभी को पीस लेते ताकि एक जी हो जाए, पूरा मिक्स हो जाए। बस आराम आराम से बेलन से चला चला के आपको बारीक कर लेने का है। तो हमारा मसाला भी अच्छे से आप देख सकते हैं पीस चुका है, और कलर भी आप देख सकते कितना बढ़िया है, मार्केट वाइज जो मसाला मिलता है उससे अच्छा कलर है ये। तो हमारा मसाला भी बना के तैयार हो चुका है, तो आप देख सकते कलर भी कितना बढ़िया है। तो मैं खास दही बड़े के लिए बनाया है कि ये मसाला आप यूज़ करेंगे तो दूसरे मसाले आपको डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और आप इसके छाछ भी बना सकते हैं, कोई भी प्रकार की चाट बनाएंगे उसमें भी आप डाल के खा सकते हैं, और 20 से 25 दिन आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया मसाला है। तो ये मैंने बोल ले लिया है, तो सबसे पहले इसमें डाल देंगे ठंडा पानी, अगर पानी ठंडा नहीं रहेगा तो आप उसमें थोड़ा बर्फ़ भी डाल सकते हैं। थोड़ा इसमें नमक डाल देंगे, अभी जो हमने वड़े बना के रखे वो पानी के अंदर डाल देंगे, देखिए वड़े, तो साढ़े बड़े मैंने पानी में डाल दिए। अभी इनको एक बार चम्मच से मिक्स कर देते हैं पूरे बड़े। तो बड़ा हमारा मिक्स हो चुका है, क्योंकि नमक ऊपर नीचे करेंगे नमक मिक्स हो जाता है। तो अभी ढक्कन लगा के केवल 10 मिनट अपने को रखने का है। तो ये मैंने बोल ले लिया है, तो सबसे पहले दही को छान लेंगे, आपके पास कोई कपड़ा रहेगा तो उससे भी आप छान सकते हैं। तो इसमें दही डाल लिया मैंने, तो दही को छान लेंगे आराम से, देखिए ऊपर से थोड़ा प्रेस करते रहने का, ताकि अपना दही में छानने का कारण है कि इसमें लम्स नहीं रहते, दही बढ़ेगा कि स्मूथ दही हो जाता है तैयार। तो पूरा दही हमारा छान के तैयार हो चुका है। तो दही अगर आपकी खट्टी रहेंगी तो थोड़ी चीनी ज़्यादा डालनी पड़ेगी आपको, तो मैं इसमें डाल रहा हूँ 2 से 3 चम्मच चीनी, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते कम या ज़्यादा। तो चीनी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेते पहले, दही भी अपना एकदम स्मूथ हो चुका है, देखिए क्रीम के जैसा। तो अभी ढक्कन हटा के चेक कर लेते एक बार, तो 10 मिनट हो चुका है, हमारे बड़े भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुके, देखिए पानी में, ये देखिए मुट्ठी में दबा के इसका तो हल्का हल्का थोड़ा पानी निकाल देंगे, और एक प्लेट में इनको लगा लेंगे। तो सारे बड़े ऐसे निचोड़ के तैयार कर लेंगे प्लेट में, ये देखिए इतना निचोड़ने के बाद मुट्ठी बंद करने के बाद हमारे बड़े टूटे नहीं है। तो एक प्लेट में निकाल लेंगे सारे निचोड़ के। ये खास क्रम आते हैं दाल फेंटने के लिए, तो ये ध्यान रखना आपको, जब भी वड़े बने दाल को अच्छे से फेंटना आपको। जो हमने दही तैयार करके रखा है अभी और डाल देंगे ऊपर से, आप चाहिए तो दही के अंदर भी ये डाल सकते हैं वड़े, लेकिन मैं डायरेक्ट प्लेट तैयार कर रहा हूँ। मार्केट में जाते क्या रहता है कि दही में डाल के रख दे, जैसे आते वैसे प्लेट में लगा के दे देते। ये जो हमने मसाला तैयार किया अभी वो मसाला डाल देंगे, क्योंकि ये मसाला डालने के बाद आपको बाहर का कोई मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको चटनी पसंद है ग्रीन या इमली की, आप डाल के इसको खा सकते, बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट होते हैं हमारे दही बड़े। तो है ना एकदम आसान तरीका दही बड़ा बनाने का, आप भी जब भी घर पे दही बड़े बनाएंगे टिक फॉलो करेंगे तो आपके दही बड़े परफेक्ट बनेंगे एकदम। तो थोड़ी गाड़ने से पहले मैंने बारीक सेवली और डाल देंगे, थोड़ा सा डाल देंगे ऊपर से बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो आप देख सकते हैं हमारे दही बड़े एकदम परफेक्ट बन के मार्केट से तैयार हो चुके हैं। हमारी आज की दही बड़े की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि इसकी जो नई नई रेसिपी बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो एक बड़ा दही बड़ा मैं आपको तोड़ के भी दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हैं। तो ये दही बड़ा मैंने तोड़ा, तो आप देखिए कितना एकदम सॉफ्ट मुलायम एकदम स्पंजी बना है, बिल्कुल भी इसके अंदर गांठ बिल्कुल भी नहीं, एकदम जालीदार हमारे दही बड़े बन के तैयार हुई है।
तो आप भी बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।